हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइड 3.10 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या करा है? प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम इच अदर ऑन अ हाईवे। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस ए एंड अदर फ्रॉम प्लेस बी एट सेम टाइम। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर्स एंड इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 आवर एंड 20 मिनट्स। फाइंड द स्पीड्स ऑफ द कार, हमें दोनों कारों के स्पीड्स निकालने हैं। थोड़ा क्वेश्चन को समझ लिया जाए। दो प्लेस हैं एक हाईवे पर, एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, और दोनों प्लेस के बीच का डिस्टेंस जो है ना 80 किलोमीटर है किसी हाईवे पे, ठीक है। 80 किलोमीटर इन प्लेस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ। एक कार इस प्लेस ए पर है और एक कार प्लेस बी पर है, क्वेश्चन में ही ना कह रहा है। अच्छा, तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं और फिर यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का हमें स्पीड निकालना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से कि लेट द स्पीड स्पीड ऑफ द कार कार स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड फ्रॉम From place A equal to में x किलोमीटर पर आवर and the speed of the car started from प्लेस बी इक्वल टू में वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए, हम लोग एक तो फॉर्मूला जानते हैं ना जी कि स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई में टाइम, डिस्टेंस बाई में टाइम। थोड़ा अब इसको समझिए, क्या कह रहा है कि ए कार स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस ए एंड अदर फ्रॉम प्लेस बी, इस प्लेस से और इस प्लेस से कार स्टार्ट हो रही है। कह रहा है इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर कार ए इधर मूव कर रहा है, कार ए इधर मूव कर रहा है, तो कार बी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कार ए का स्पीड ज्यादा होगा कार बी से, तभी ना ये 80 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करेगा कितना आवर में, तो 8 आवर में इसे 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करना होगा ए को बी के रिस्पेक्ट में, तभी ना एक दूसरे को ये मीट करेंगे। ये जिस स्पीड से जा रहा हो इससे ज्यादा स्पीड में ये जाएगा तभी ना दोनों को मीट कर पाएगा, क्योंकि इसे 80 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करना होगा 8 आवर में, यानी कि पर आवर इसको 10 किलोमीटर अधिक ट्रेवल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स माइनस वाई यानी कि दोनों के स्पीड का डिफरेंस, तो कितना इसको कितने दोनों के बीच का कितना ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो 80 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करना होगा कितना आवर में, तो 8 आवर में, यानी x माइनस वाई इक्वल टू में 10 आ जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। नाउ इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ए भी इधर ट्रेवल कर रहा है बी भी इधर ही ट्रेवल कर रहा है, तो ये 1 आवर 20 मिनट में मिल जाते हैं, तो दोनों के स्पीड का सम हम लोग कर लेते हैं, तो दोनों के स्पीड का सम, तो कितना दोनों ने टोटल मिलकर डिस्टेंस ट्रेवल किया 80 किलोमीटर और कितना टाइम लगा 1 आवर 20 मिनट, तो इसको आवर में बदल देते हैं 20/60 करके, 1 इंटीजर 20/60, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 80/, यहाँ पर देखिए यहाँ ये 1/3 हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में है इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 80 × 3/4, यहाँ पे 20, यानी यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यहाँ 60 ना हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 10, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में यहाँ 60, ठीक है। चलिए, ये आपका 2x हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में तो 35 आ जाएगा। अब x का वैल्यू पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, सेकंड में रख देते हैं। इक्वेशन सेकंड है आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू में यहाँ पर कितना 60, तो एक्स का वैल्यू यहाँ 35 रख देंगे, इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 25। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट प्लेस ए इक्वल टू मैक्स का वैल्यू कितना था 35 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस बी वह जगह 25 किलोमीटर पर आवर। समझ गए क्वेश्चन नंबर।